एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी हाल ही में जिम के बाहर स्पॉट हुई। पलक को देख लोगों ने कहा, इसको जिम की नहीं खाने की जरूरत है। रुकिए ना, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हेलो हेलो हेलो। पलक जी एक मिनट। मैम थोड़ा मास्क। बाय बाय। वहीं ईशा गुप्ता की बोल्ड तस्वीरें इंटरनेट पर छाई हुई हैं। एक्ट्रेस ने सिर्फ शर्ट पहने तस्वीरें शेयर की, जिसे देख लोगों ने कहा शेमलेस। एक्टर सनी देओल ने एक वीडियो शेयर की जिसमें वो बर्फ के साथ खेलते दिखे। एक्टर को देख एक यूजर ने कहा, जिसको हमेशा सिल्वर स्क्रीन पर विलेन को धोते देखा, उस हीरो को यूं बच्चों की तरह मस्ती करते देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। जिम पहुंचे आसिम ने भाई उमर के बारे में बात की और कहा कि उसके साथ गलत हुआ। पहले भी धक्के मार रहा था कोई, आई थिंक अ लॉट ऑफ कंटेस्टेंट जो भी थे बिग बॉस में, सबने एक दूसरे को मारे धक्के, बट तब कोई नहीं निकला, यू नो, बट उमर ने किया ऐसा तो अनफॉर्चुनेटली उसको निकालना पड़ा भाई। लेकिन यही सीजन में ऑब्वियसली हाँ, इसी सीजन में जैसे मैं बोल रहा हूँ कि काफी कंटेस्टेंट थे, उन्होंने भी धक्का मुक्की हुई और तब नहीं निकाला, बट उमर को निकाल दिया। ऑब्वियसली ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, ऑब्वियसली वो जो घर के लोगों की गेम बढ़ने नहीं दे रहा था, बिकॉज ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट। जो चीज उमर के लिए बोली जा रही है, प्रतीक ने ये चीजें कई लोगों के भी ऑलरेडी कर चुकी है। एग्जैक्टली प्रतीक ने करण ने, बट देखो सब, अगर उस टाइम अगर फेयर डिसीजन लेना था तो उस टाइम निकालना चाहिए था, और इस टाइम उमर को निकाल दिया। लाइक आई सेड कि उसकी गेम बहुत स्ट्रांग थी, और उस सीजन आप पर्टिकुलरली जब आप देखो वीकेंड का बाद, तो एक्चुअली उन्होंने बताया कि उमर कितना स्ट्रांग है और वो बाकियों की गेम्स कैसे मतलब यू नो स्ट्रांग नहीं होने दे रहा है, यू नो व्हाट आई मीन, तो उस वजह से निकाला है। एंड जनता की जहाँ तक बात की जाए, आई थिंक बाहर ये भी बात है कि 70% उसको ज्यादा वोट थे, यू नो, बट यू नो जो हुआ है वो पहली बार तो नहीं है। नहीं, ये मुझे इसका कुछ पता नहीं, बहुत सारे सेलिब्रिटी ने ट्वीट किया है, ट्वीटिंग अली भाई ने भी किया कि मेरे शहर का लड़का था, एवरीबॉडी शाउट आउट टू एवरीबॉडी, बिकॉज एवरीबॉडी मेक सेंस ट्वीट करने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी ने भी सना मकबूल ने थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बट नाउ द थिंग इज उन्होंने इसलिए किया जो गलत हुआ है, और वो सही बोल रहे हैं कि पहले इतने कंटेस्टेंट सबने धक्का मारा, और उमर का तो धक्का कुछ दिखा भी नहीं, एंड द थिंग वाज वो इंस्टिगेटेड हुआ था उससे, और फिर उसका रिएक्शन था लाइक यू कम एंड गिव मी अ हंच, लाइक भाई क्या कर रहा है, यू नो, सो इट वाज द सेम थिंग लाइक आई सेड कि उसका बहुत गेम स्ट्रांग हो रहा था, और वो मतलब उस दिन तो मैं देख रहा था कि सीजन में उसको गाइड किया जा रहा है सबको उमर के खिलाफ, कि उमर की वजह से ये नहीं हो रहा है, उमर की वजह से वो नहीं हो रहा है, यस थोड़ा समझ प्लीज, यू नो, सो इट्स वेरी अनफेयर बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक उन्होंने सबका भाई आता सॉन्ग बहुत बढ़िया है मेरा भाई, एग्जैक्टली दिल जीता है तो और क्या चाहिए, आई थिंक थैंक यू सो मच, थैंक यू जिम, टाइम हो गया अली भाई ने भी कहा है। उर्वशी रौतेला ग्रीन कलर के आउटफिट में नजर आईं और उन्होंने अपने फैंस के साथ भी खूब सेल्फी ली। उर्वशी जी राइट साइड उर्वशी मैम राइट राइट लुक यार राइट मैम यार राइट कैसे आप वेट 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 उर्वशी जी वेट सेंटर सेंटर लुक यार मैम लुक यार मीका सिंह एक दोस्त के रेस्टोरेंट पहुंचे और लता जी की अच्छी सेहत के लिए दुआ मांगी। क्या सब ठीक है? बस भाई भाई थोड़ा आगे है उधर लाइट, बिल्कुल आप एंजॉय करो गाना मजनू। हाँ भाई।
और एंजॉय करें। और कुछ नया आने वाला है? यहाँ की गोपी चड्डा ईट लाइक पंजाबी, आज हम घूमने आए, देखने आए कि खाना कैसा है। बाजी वो लता जी एडमिट हुई हैं उधर आईसीयू में, बस हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि लता जी जल्दी ठीक हो जाएं। पूरे हिंदुस्तान की दुआएं उनके साथ हैं, हमारी देवी है, म्यूजिक की देवी है। सो लता जी आप जल्दी ठीक हो जाएं, मेरी तरफ से गेट वेल सून। क्या कुछ अभी आने वाला है नया? अभी लेटेस्ट गाना आया है मजनू, बहुत धूम मचा रहा है, जस्ट 3 दिन पहले ही रिलीज़ हुआ, सो आप सभी इन्जॉय करें, बहुत सारे रिलीज बन रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। करण पटेल ने भी मीडिया से बातचीत की। एहतियात नहीं बरतेंगे, सिचुएशन जाएगी नहीं, एंड केसेस इस तरह बढ़ रहे हैं, आई थिंक लॉकडाउन बहुत जरूरी है एंड सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, लोगों को समझना। थैंक यू। कितने प्रिकॉशन लेते हैं आप, मतलब आप पर्सनली कितना प्रिकॉशन लेते हैं? मैंने मतलब यार तो देख रहा है, मैंने मास्क नहीं पहना हुआ, तो एक सवाल पूछेगा ना तो कल मेरे को जूते पड़ेंगे। अगले करण लता जी का आपको इनमें से किसका लुक पसंद आया कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा फेयर हुआ है, आई फील, क्योंकि वो थोड़े अग्रेसिव हो जाते हैं एंड देन बिग बॉस एक ऐसा घर है जहाँ पे आप अपना मेंटल लूज करते हो, बट ये नहीं कि आप हाथ उठाओ, एंड आई थिंक बिग बॉस ने बहुत बार उसे वार्निंग दी है। सो वो भी है आपकी, क्या चल आपको कैसा लग रहा है जिम चालू रखे? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, जिम सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों के लिए चालू है, सो इफ़ यू आर डबल वैक्सीनेटेड आई थिंक यू शुड जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड टाइम थोड़ा क्रूशियल है, सो मास्क पहनिए, डिस्टेंस में रहिए या एंड स्टे सेफ, कीप हाइड्रेटिंग, अपने आप को हेल्दी रखिए। मास्क तो देखो और थोड़ा डिस्टेंस में रहो। आजकल ना थैंक यू, क्या होता है ना सारे यूट्यूब नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।